हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। अगर आपके पास घर खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं तो आप होम लोन के सहारे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन होम लोन जहां लोगों को उनके घर लेने के सपने को पूरा करता है, वहीं होम लोन की हर महीने EMI का भुगतान करना लोगों के लिए चिंता पैदा करता है। ऐसे में अगर आप भी होम लोन की EMI का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो यहाँ बताए जा रहे कुछ सुझावों से अपने होम लोन की EMI का भुगतान कर सकते हैं। आय की कमी कभी कभी आपको होम लोन के भुगतान में बाधा हो सकती है। वहीं अगर आप नौकरी खो देते हैं या फिर आपके पास आय का अन्य माध्यम भी समाप्त हो जाता है तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इमरजेंसी के लिए पैसों को निवेशित रखें ताकि जरूरत के समय काम आ सके। इमरजेंसी फंड आपको EMI चुकाने और डिफॉल्टर होने से बचाने में मदद कर सकता है। बाजार में कई तरह की लोन बीमा योजनाएं हैं जो आपकी EMI को छोटी अवधि के लिए कवर कर सकती हैं। यानी अगर आप होम लोन लेते हैं तो उसका बीमा भी करवा सकते हैं। वहीं नौकरी जाने पर बीमा आपको उपयोगी लगेगा, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए आपको ठोस तरीके की आवश्यकता होगी। अगर आप अपनी आय और बचत समाप्त कर चुके हैं और कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं तो आप कुछ नकदी जुटाने के अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। आप सोना, एक कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, PPF का पैसा आदि चीज़ों को निपटारा कर कर्ज चुका सकते हैं। माइलोन केयर के संस्थापक और CEO गौरव गुप्ता के अनुसार, यदि आपको होम लोन की EMI का भुगतान करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और EMI का भुगतान करने के लिए बहुत अधिक है तो आप आशंकित भुगतान करके अपनी EMI को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी कर्जदाता से आपने लोन लिया है उससे संपर्क कर सकते हैं और अपनी स्थिति से अवगत करा सकते हैं। साथ ही उसे अपने ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं ताकि वह आपकी समस्या को समझ सके। कर्जदाताओं के मानने पर आप उसे और समय ले सकते हैं या लोन की EMI को लंबे समय के लिए कराकर EMI कम करा सकते हैं जिससे कि आप चुका सकें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com।